फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, और अब बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, दिस कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। नॉर्मल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एंड दे आर पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन को नॉर्मल पैरेलल है। तो ये और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज 6.3 योर बुक NCERT टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का। तो ध्यान से देखें, आप एक कोई जनरल ऐसा फिगर ले लें, कुछ भी कर्व के शेप में, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, इससे एक आपको आइडिया लगेगा। ये इसका नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, ध्यान से देखिए आप, ये टेंजेंट है। और नॉर्मल किसको पैरेलल है? नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन को, नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन को। तो नॉर्मल पैरेलल है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0 को। तो इससे नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, माइनस 1 अपॉन 14। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि आपको ये लाइन अगर दी हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो का स्लोप यही होता है। क्या होता है इसका स्लोप? माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। तो ये इसका स्लोप होगा। किसका स्लोप होगा? इसके नॉर्मल का स्लोप होगा। और अगर नॉर्मल और टेंजेंट आप देख सकते हैं, नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर है, और ये अगर स्लोप माइनस 1/4 14 है, और इस टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप मान लीजिए कि m है, इसका स्लोप m है, तो m और माइनस 1/14 का, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, टेंजेंट है ये, नॉर्मल है आपका, और नॉर्मल ये n1 दे दिया, ये पैरेलल है, इस n दे दे, इसको p दे देते हैं नाम। ध्यान से देखें, T is perpendicular to P. Therefore, product of slopes of T और P के product slopes का product कितना होगा? माइनस वन होगा। यानी M into माइनस 1/14 m इंटू माइनस 1/14 की वैल्यू माइनस 1 होगी। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 14। और m किसका स्लोप है? t का। t कौन है? टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप तो ये होता है, क्या होता है? dy/dx। और पॉइंट कौन सा है आपका? ये मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट पॉइंट कौन सा है आपका? α, β। तो dy/dx क्या होगा आपका? तो dy/dx होगा इसमें 3x² + 2। और इसमें अगर आप अल्फा बीटा डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 3α² + 2। ये 3α² + 2, ये किसका स्लोप हुआ? टेंजेंट का। तो ये हो जाएगा आपका, देयरफोर 3α² + 2 इज इक्वल टू 14। तो अल्फा स्क्वायर, 2 को उधर भेज दीजिए 12, 3 को अपॉन में भेज दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा ±2। अब सवाल उठता है कि बीटा क्या होगा? तो ध्यान से देखें, इसको नंबर दे देते हैं 1। अब अल्फा बीटा किस पे लाए करते हैं? सिंस अल्फा बीटा लाइंग ऑन y इज इक्वल टू x³ + 2x + 6, therefore बीटा इज इक्वल टू α³ + 2α + 6। अब अल्फा की दोनों वैल्यूज डालेंगे, एक बार मैं प्लस टू डालूंगा और एक बार माइनस टू डालूंगा, और दोनों से हमें पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो व्हेन अल्फा इज इक्वल टू +2, तो बीटा की वैल्यू आएगी आपकी α³ + 2α + 6। तो ये हो जाएगी 2³, 2 × 2 + 6।
तो ये 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18, तो पॉइंट आ गया आपका 2,18। और अल्फा की वैल्यू जब माइनस 2 है, बीटा की वैल्यू माइनस 2 का क्यूब 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, तो ये पॉइंट आ गया आपका माइनस 2 माइनस 6। अब हमारे पास ये दोनों जब पॉइंट्स आ गए हैं तो अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान से सुनिए, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल्स। नॉर्मल्स का स्लोप क्या है, तो नॉर्मल्स का स्लोप ध्यान से देखिए, एन और पी, एन नॉर्मल है और एन पैरेलल है पी को, तो जो पी का स्लोप है वही एन का स्लोप है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमें माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स से नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप उससे निकाल लें, उससे भी वही सेम आएगा, ये हो गया माइनस वन बाय 14। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन होती है वाई माइनस बीटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, लाइन की इक्वेशन, एक्स माइनस अल्फा। तो पहला पॉइंट है एट 2,18, वाई माइनस 18 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस वन अपॉन 14 एक्स माइनस 2। इसको इधर भेज दें आप, तो ये हो जाएगा आपका 14y माइनस 18 इंटू 14 एक्स माइनस 2। इन सबको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 14y। इसको कैलकुलेट कर लें आप, तो 18 को लिख दें 20 माइनस 2, तो 14 इंटू 20 हो जाएगा 280। 280 में से 14 टू जा 28 माइनस किए हमने, 280 में से 28 माइनस किए, 280 में से 28 माइनस किए तो हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 252, और माइनस 252 जब इधर आएगा तो प्लस 252, और ये माइनस 2 है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250 इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन हो गई, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों एट माइनस 2,-6, तो y माइनस माइनस 6, तो y प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 1 बाय 14 एक्स प्लस 2। इसको भी देख लें आप, तो ये हो जाएगा आपका 14y, 14 6 जाए 84 माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको इधर भेज दें ताकि x प्लस का हो जाए, x प्लस 14y प्लस 86। तो दो आंसर आ गए आपके पास, एक नॉर्मल ये है आपका और दूसरा नॉर्मल, ओ माय गॉड, दोनों के स्लोप में डिफरेंस क्यों है, ओके एक्सट्रीमली सॉरी, इसमें गलती कर दी थोड़ी सी, इस माइनस को इग्नोर कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे ये माइनस को लिखना भूल गए थे, तो माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस, उसको उधर भेज देते हम, तो एक्स प्लस 14y, और इसको हमने कैलकुलेट किया था ये माइनस 252 था, और ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस 254 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों आंसर हो गए हमारे। तो ये हैं दोस्तों इसके दो नॉर्मल्स इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर आप समझ गए हैं तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक बात पहुंचाएं, साथ कनेक्ट हो जाएं, खुद पढ़ें, आगे बढ़ें, देश को बढ़ाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।